मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दूसरे विजिट को लेकर हमीरपुर के विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। हमीरपुर में एसडीओ चैनल ने विजिट को लेकर बातचीत की। लोगों ने विजिट पर सराहनीय बताया तो किसानों के लिए नई योजनाओं की तारीफ की तो पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय की बढ़ोतरी करने के लिए धन्यवाद किया। साथ ही खेल शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी प्रावधान किए जाने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया। जीएसटी में रिवेट दिए जाने पर व्यापारी अश्विनी जगोता का कहना है कि सरकार के द्वारा अब 40 लाख तक जीएसटी न देने की बात बढ़िया है और इससे छोटे व्यापारियों को काफी लाभ मिलेगा। वहीं एक अन्य व्यापारी का कहना है कि मुख्यमंत्री ने छोटे व्यापारियों को इस बजट में तोहफा दिया है। जो बजट पेश किया है उसमें उन्होंने 20 से 40 लाख तक छूट 40 लाख तक व्यापारियों को छूट दे दी है विदाउट जीएसटी नंबर। इसलिए हम उनका छोटे व्यापारियों द्वारा धन्यवाद प्रकट करते हैं। मैं अश्विनी जोता स्टेट व्यापार मंडल की ओर से, जो आज हमारे मुख्यमंत्री ने 20 लाख से व्यापारियों की 40 लाख लिमिट की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है सरकार का, जिससे हमारे काफ़ी तर मेरे व्यापारी भाई इसमें आ जाएंगे और जो जीएसटी की कुछ जटिलता थी उससे बच जाएंगे। इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा अपने बजट में पत्रकारों को एक लैपटॉप देने की बात कही है, जो कि काफ़ी सराहनीय है और इस चीज़ के लिए सभी पत्रकार मुख्यमंत्री का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। कौशल विकास भत्ते के तहत करोड़ों रुपए का प्रावधान किए जाने पर युवती चंद्रकांता और पूजा का कहना है कि इससे रोजगार पाने के लिए सुविधा मिलेगी तो प्रदेश के हर जिला में इंटरव्यू देने के लिए प्रावधान होगा जिससे युवाओं को लाभ मिलेगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट के थ्रू, और ये जो 100 करोड़ रुपए का प्रावधान युवाओं के लिए किया गया है वो हर युवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये हर क्षेत्र में रहेगा, चाहे वो उड़ान का क्षेत्र हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, हर उसमें युवा अब हर जगह हर क्षेत्र में ट्राई कर पाएगा और अपने जो भी स्किल्स हैं उनको निखार पाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा जो इस बार बजट पेश किया गया है उसमें युवाओं को पहले इंटरव्यू देने के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता था, बट अब फैसिलिटी हमें यहाँ पे ही प्रोवाइड की गई है। हर जगह पे रोज़गार प्रोवाइड हो रहा है, 120 कंपनीज आ रही हैं कैंपस इंटरव्यूज़ के लिए, तो हम इस बजट से काफ़ी हमें बेनिफिट प्रोवाइड हुआ है। जयराम सरकार ने जो कुटीली तारों के लिए जो है 50% का अनुदान दिया है वो बहुत ही किसानों के लिए जो है लाभदायक है, इससे जो है 12 बसों से निजात मिली है। मैं जो एक यूनिट का रेट 70 पैसे होता था अब उसका रेट जो है 50 पैसे हो गया है, इसके लिए सभी उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। जयराम सरकार ने पंचायती राज संगठन को सशक्त करने के लिए और पंचायत प्रतिनिधियों को मान सम्मान देने के लिए अपने बजट में पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय में बढ़ोतरी कर एक पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मान दिया है, जिसके लिए हम जयराम सरकार का धन्यवाद करते हैं। पंचायत प्रतिनिधियों का प्रधान का पहले 4,000 रुपये मानदेय था, जयराम सरकार ने उसको 4,500 रुपये कर दिया, ऊपर धान का 2,500 रुपये था उसको 3,000 रुपये कर दिया, इसी तरह वाटर गार्ड का पहले 2,100 रुपये मानदेय था अब वो 3,000 रुपये कर दिया, और चौकीदार का पहले 4,000 रुपये मानदेय था उसको 4,500 रुपये करके पंचायती राज संगठन को सशक्त करने के लिए जयराम सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है, जिसके लिए हम जयराम सरकार के आभारी हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए जो जयराम सरकार ने देसी गाय के लिए 50% सब्सिडी देने का ऐलान किया है, उससे देसी गाय की नस्ल बचाने के साथ ही गौ रक्षा के लिए भी एक सराहनीय कदम जयराम सरकार का है। और इसके साथ ही जो किसानों के लिए 50% बिजली बिल में सब्सिडी प्रदान की है, इसे भी किसानों के लिए एक सराहनीय कदम सरकार ने उठाया है, जिसके लिए किसान बागवान और पंचायती राज संस्थाओं को जयराम सरकार ने सम्मान किया। सुशील शर्मा का कहना है कि खनन को रोकने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है और खनन के लिए अब ऑनलाइन आवेदन होंगे जिससे अवैध खनन पर लगाम कसी जाएगी। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर बजट लोगों के लिए हितकारी है। देखिए, मुझे लगता है कि बजट में जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, इन्होंने संतुलित बजट पेश करने की कोशिश की है। जैसे कि मैं देखता हूं कि युवाओं को भी इन्होंने विशेष तरजीह दी है, सभी वर्गों को इन्होंने खुश करने की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश के जैसे पंचायत चौकीदार हैं और पंचायत के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, नगर परिषदों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, महापौर हैं या नगर निगमों के पार्षद जो हैं, इनका भी मानदेय बढ़ाया गया। इसके साथ ही युवाओं के लिए जो है वो विधायकों को 25,000 रुपया
तक की जो रजिस्टर्ड यूथ क्लब हैं उनको देने का प्रावधान किया गया है कि विधायक अपनी निधि से दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा कदम है, इससे ग्रामीण स्तर पर जो है नए खिलाड़ी उभर के आएंगे और नई नई गतिविधियों में युवा जो है वो भाग ले सकेंगे, उनको धन की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही जो वनों पर आधारित रोजगार को बढ़ाने का एक हर सरकार प्रयास करती है उस के अनुसार जो वनों के लिए जो प्रावधान किया है वनों के आधारित रोजगार को, ये बहुत ही अच्छा काम है क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ वन हैं लेकिन वो जो उनसे रोजगार लिया जा सकता था वो नहीं लिया गया है, अभी तक उसका सही दोहन नहीं हो पाया। तो मुझे उम्मीद है कि शायद इस बजट में जो किया गया है उससे सही दोहन हो पाए। साथ ही मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के में जो आयु सीमा है उसको 35 से बढ़ाकर 45 तक किया गया है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम है क्योंकि आजकल जिस तरह से पिछले कुछ सालों से बेरोजगारी रिसेशन का सामना जिस देश को करना पड़ रहा है, हम हिमाचल के युवाओं को करना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि इससे जो 35 और 45 के बीच के लोग जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं उनको भी एक अच्छी सुविधा मिलेगी और मुख्यमंत्री का ये कदम जो है काबिले तारीफ है। साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए जो मुख्यमंत्री द्वारा कदम उठाया गया है मैं समझता हूँ इसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। जो खनन को लेकर ऐसा माना जाता था कि खनन माफिया है, मिलीभगत होती है अधिकारियों की, तो अब क्योंकि ऑनलाइन आवेदन किया जाएंगे तो इससे काफ़ी हद तक जो है खनन के ऊपर अवैध खनन के ऊपर जो है रोक लगेगी।